जबकि वजीर ममलिकत आबिद शरेली ने इल्जाम लगाया है कि फैसलाबाद में राणा सनाउल्ला का ग्रुप तहरीक इंसाफ की हिमायत से जीता। जो बड़े दावे करते थे 145 वोटों के कि हम 145 वोट लेंगे, और वो पीटीआई के दर पे जाकर बैठ गए और पीटीआई के लोग ही उनके पोलिंग एजेंट बने और पीटीआई के ही वोटों से वो आज शहर के मेयर मुंतखब हुए। तो ये मैं समझता हूँ कि सियासी और इखलाकी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह मेयर ग्रुप की फतह हुई कि जो लोग बड़े दावे करते थे आज निशान भी उनके पास वही था, लेकिन पीटीआई के दर पे जाकर बैठ गए और पीटीआई ने आज उनको सहारा दिया। तो अगर वो माइनस वोट कर लें तो फिर तो मेयर ग्रुप ही जीतता है, और हम समझते हैं कि हमारे जो चेयरमैन हैं उन्होंने एक बड़ी लड़ाई लड़ी, मुजाहिदों की तरह लड़े, और हार जीत एक खेल का और सियासत का हिस्सा है, और इससे मैं समझता हूँ कि इखलाकी बरतरी हमारे ग्रुप की है।